यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां रमिया बेहर के ब्लॉक सभागार में मतदाता अभिनंदन समारोह को किया गया संबोधित। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को, जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध, ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि हम हारे नहीं बल्कि हमारे मतदाता एवं कार्यकर्ता षड्यंत्र का शिकार हुए थे। कार्यकर्ता मायूस ना होकर पूरे उत्साह के साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर अभी से क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दें। यह संदेश सोमवार को रमिया बेहड़ के ब्लॉक सभागार में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह के दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने दिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। मतदाता अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने उपस्थित मतदाता एवं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि बीते लोकसभा चुनाव में हुई पराजय से निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारे मतदाता एवं कार्यकर्ता चुनाव हारे नहीं बल्कि साजिश के शिकार हुए हैं। चुनाव के दौरान विपक्ष के लोगों ने झूठे वादे कर मतदाताओं को गुमराह करने का काम किया। समारोह को पार्टी के अरविंद सिंह, संजय, जीएस सिंह, दरोगा सिंह और नरेंद्र वर्मा आदि ने संबोधित कर अपने अपने विचार प्रकट किए। समारोह में कनकपाल सिंह राणा, जयप्रकाश विश्वकर्मा, भगवान सिंह, संगमलाल मिश्रा, राजीव मिश्रा, रवि मिश्रा, महेश गुप्ता, छोटेलाल यादव तथा लखपति पांडे समेत बड़ी तादाद में मतदाता एवं पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखे पंडुआ से रिपोर्टिंग इंचार्ज राम सजीवन प्रजापति की खास रिपोर्ट। भगवान ने भी निर्णय देने पर रोक दिया, 100 नहीं पूरा करने दिया। आप सब लोग सांप सीढ़ी थी खेलते हो गए, सांप सीढ़ी के निर्णय पर ही सांप है। जब सांप काटता है तो सीधे नीचे आते हैं, तो 29 में वहीं पर फिर से कांग्रेस को आना। पंद्रह सालों में कांग्रेस को कुल मिला करके 200 सीटें नहीं मिली, एक बार 44, एक बार 52 और उसकी बार 99। तो सब जोड़ जो कट्ठे होते हैं 145। भाजपा की अभी भी 240 सीटें अकेले, लेकिन जब सदन में वो बोलते हैं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, लेकिन वो लोकसभा में चुन के आ गए। लोकसभा में इस देश के लोगों ने नहीं चुना, ये विदेशी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हमारी लोकसभा में भी ऐसे राष्ट्रविरोधी लोग चुन करके जाए तो उनके पक्ष में काम करें। यही कारण था कि तीन तीन लोग चुन के आए,